मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय वर्ल्ड। मैं हूं राहुल ठाकुर और मैं भरमानी की तरफ जा रहा हूं। और भरमानी भरमौर से 6 किलोमीटर ऊपर है। तो ऐसा माना जाता है कि मणिमहेश कैलाश जाने से पहले माता भरमानी के दर्शन करना जरूरी है। तो यहां जाने के लिए दो रास्ते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं और बाय रोड भी जा सकते हैं। पैदल जाने के लिए आपको 84 मंदिरों से होके ऊपर एक मलकोता गांव से होके जाना पड़ता है। तो अब मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी 84 टेम्पल्स करके, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बाकी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने दो रास्तों की बात की थी, तो अब हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं जो कि बाय रोड। और ये देखिए, यहाँ से है दूसरा रास्ता भरमानी की तरफ। सीधा जाएंगे भरमानी के लिए। 4.5 किलोमीटर है यहाँ से भरमानी। ठीक है, बहुत घना जंगल है आगे। ऊपर चल के ऊपर से नीचे का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। गाड़ी है
इस रास्ते ना लेके आए, अगर किसी टैक्सी में आ रहे हैं तो उसके लिए अच्छा रास्ता है ये। जा चुका हूँ मैं पैदल, वहाँ से तकरीबन हम चार दोस्त गए थे और तकरीबन हमें गए हैं और यहाँ से आगे रास्ता नहीं है तो गाड़ी हमें यहीं पर खड़ी करनी पड़ेगी और इसके बाद थोड़ा सा पैदल चल के चलिए। ये वो दूसरा रास्ता है देखिए जो पैदल यात्री चढ़ के आते हैं मणिमहेश। मेले के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और गेट सामने दिख रहा है। आपके वो गंद तरीके से कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स है पानी का अपने आप आता है। ये देखिए यहाँ से पानी एंटर हो रहा है पर ये निकल कहाँ रहा है कोई पता नहीं है। यहाँ पे सब सूखा है देखिए, ये देखिए ऊपर से पानी आ रहा है, ये देखिए कितना सारा पानी है।
लेकिन यहाँ आके सूखा है। देखिए इसके चमत्कार ताऊ, ये देखिए, ये देखिए, ये पानी जब मैं आया था तो यहाँ पे बहुत बर्फ थी, एक बार फिर से आया हम। देखिए वही पानी है, प्रेशर से यहाँ से जा रहा है लेकिन नीचे कहीं पे भी नहीं निकल रहा।